बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर पूर्व बीएसपी के नेता नरेंद्र सिंह सेंगर के हत्याकांड में पूर्वांचल से तार जुड़े हुए हैं। तो इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, जहां कानपुर के हिस्ट्री शीटरों के साथ मिलकर पूर्वांचल के शूटरों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो इस हत्याकांड से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही सबूत मिले हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो चमनगंज क्षेत्र का एक हिस्ट्री शीटर भी अभी रडार पर है। बड़ी खबर कानपुर से, पूर्व बीएसपी के नेता नरेंद्र सिंह सेंगर हत्याकांड में कहा जा रहा है कि अब इसके तार पूर्वांचल से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, जहां कानपुर के हिस्ट्री शीटरों के साथ मिलकर पूर्वांचलों के शूटरों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। कुछ इसी बात के सबूत, कुछ इसी बात के संकेत मिले हैं, जहां चमनगंज क्षेत्र का एक हिस्ट्री शीटर भी रडार पर है। और नीरज अवस्थी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट अभी इस पूरे मामले पर? देखिए रे, तो जिस तरीके से कानपुर के चकेरी में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर बसपा के पूर्व नेता की हत्या की गई, तो उस मामले में लगातार पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था कि किस तरीके से इस मामले का खुलासा किया जाए। घटना के कुछ ही देर बाद कुछ सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे थे, चेहरे स्पष्ट नहीं थे, लेकिन पुलिस की कई टीमें लगातार उस पर लगी थी। तो अब उससे ये बातें निकल के सामने आ रही है कि कानपुर के ही चमनगंज थाना क्षेत्र के एक हिस्ट्री शीटर को रडार पे रखा है पुलिस ने, उन्हीं के संपर्क में अब ये बताया जा रहा है कि कुछ जानकारी ऐसी मिली कि पूर्वांचल के जो शूटर थे, वहां के जो लोग थे, वहां उनसे संपर्क करने के बाद उन लोगों का हत्या में शामिल होना बताया जा रहा है। इस चीज को लेकर लगातार पुलिस की जो चीजें जांच की टीमें हैं वो जांच कर रही हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ ऐसा तार जोड़ रहा है कि एक सानू उल्लंघा हत्याकांड कानपुर में हुआ था, उससे भी तार जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके से कानपुर में उसकी भी हत्या की गई थी। इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जो है काफी जांच कर रही है और काफी नजदीक तक पहुंची ऐसा माना जा रहा है। तो आने वाले दिनों में इस चीज के बारे में खुलासा भी हो सकता है जल्दी। चलिए, धन्यवाद आपका नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए।